हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज डेटा हैंडलिंग। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग ये जो टॉपिक है आपके लिए एकदम नया है, आप इसको कभी पहले नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एक एक अच्छे से समझेंगे कि डेटा क्या होता है और हैंडलिंग क्या होता है, ये सारी बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और साथ ही साथ डेटा हैंडलिंग में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं डेटा हैंडल करने में, वो सारे प्रोसेस को भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। सो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डेटा क्या होता है, ठीक है ना। डेटा हैंडलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो डेटा क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, मतलब इसको डेटा हैंडल करना मतलब होता है डेटा के पास बहुत सारा है, उसको प्रॉपर रख रखाव करना। हैंडल करना मतलब बेसिकली कैसे उसको हम स्टोर करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग डेटा हैंडलिंग में ही सीखेंगे। ओके, और अब डेटा हैंडलिंग के ही ये तीन अलग अलग प्रोसेस हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। क्या करेंगे हम लोग डेटा हैंडल करने के लिए? सबसे पहले उसका कलेक्शन करेंगे, मतलब एक जगह स्टोर करेंगे। स्टोर करना मतलब कहीं उसको सेव कर, मतलब लिख के रख देंगे, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो जो डेटा है जो हमें पता चला उसको हम लोग अपना कैसे हम आसानी से किसी को बता सके कि क्या हमने स्टोर किया है, ताकि वो देखकर आसानी समझ जाए, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना कहते हैं, ठीक है। और फिर इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी को अपना डेटा जो रिप्रेजेंट किया है, अगर वो उसको नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो हमें ये जानना है कि अगर किसी डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी के सामने रखते हैं कि हाँ ये देखिए हमारे पास डेटा है, तो वो उसको कैसे समझ सके, वो कैसे समझेगा, कैसे उसको रीड करेगा, उसको हम लोग सीखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज डेटा। डेटा क्या है इसको हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो डेटा को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग अक्सर अपने क्लास में टेस्ट देते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ लेसन टेस्ट होता है, हर एक लेसन का कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसका लेसन टेस्ट लेते हैं। तो जब लेसन टेस्ट लेते हैं तो मार्क्स देते हैं उसमें, तो मार्क्स क्या है, एक तरह से डाटा है। जैसे सपोज कीजिए आपके आपका कोई 10 फ्रेंड है, आपने क्या किया कि जितने जितने सबको मार्क्स मिला सबका आपने मार्क्स नोट डाउन किया। आप अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है ना। डेटा मतलब जैसे कि मार्क्स, आपने क्या किया कि अपने फ्रेंड्स का नाम लिखा, जैसे सपोज कीजिए सोनू, मोनू, रवि, छवि, प्रिया, रिया, ठीक है। सपोज कीजिए 6 ही फ्रेंड्स से ज्यादा नहीं लेते हैं। अब ये 6 फ्रेंड्स का आपने लिस्ट बनाया और आपने क्या किया कि सबको जितने जितने मार्क्स मिले हैं आपने उसको नोट डाउन, जैसे सब सोनू को मिला है 9 मार्क्स, मोनू को मिला है 8 मार्क्स, रवि को मिला है 5 मार्क्स, छवि को मिला है 6 मार्क्स, प्रिया को मिला 2 मार्क्स और रिया को मिल गया 8 मार्क्स। तो आपने क्या किया कि जितने आपके फ्रेंड्स ने जो लेसन टेस्ट दिया है उस टेस्ट में जितने जितने मार्क्स लाए आपने उस सबको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो आप कलेक्ट किए हैं बेसिकली 9, 8, 5, 6, 2, 8, ये क्या है, व्हाट इज दिस, सो दिस इज मार्क्स। और ये मार्क्स ही को हम लोग अगर कॉमन वर्ड्स बोले तो ये ही है आपका डेटा जो आपने कलेक्ट किया है। और ये क्या है, सोनू, मोनू, रवि, शवि, प्रिया, रिया, ये क्या है, आपके नेम ऑफ द फ्रेंड्स हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर जैसे अब सपोज कीजिए आपने लिखा, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि ये आपने नाम जो लिखा है वो किसका नाम लिखा है, हो सकता है वो आपके गांव के फ्रेंड्स हो, या हो सकता है आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो, या क्लास के मेट्स हो, मुझे नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कुछ, इसका हेडिंग दे देंगे नेम ऑफ क्लासमेट्स, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, मार्क्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले उसको कलेक्ट किया और फिर उसको एक टेबल ऐसा बना दिया, है ना। तो यही सारे प्रोसेस जो होते हैं उसी को हम लोग डेटा हैंडलिंग कहते हैं। और जो आपने कलेक्ट किया, जैसे सपोज कि यहाँ पे आपने मार्क्स कलेक्ट किया 9, 8,
फाइव सिक्स टू एट, इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा, ठीक है ना। डेटा मतलब जिस चीज़ को आप देखकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब आप कह सकते हैं, अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा फ्रेंड है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है। अब आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा सोनू जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है, ठीक है ना। अब आप जानना चाहेंगे कौन है मेरा ऐसा फ्रेंड जो सबसे कम मार्क्स लाया, तो आप देखेंगे प्रिया जो है वो सबसे कम मार्क्स लाई, सिर्फ 2 मार्क्स लाई। ओके, कौन सा ऐसा मेरा फ्रेंड है जो सेकंड हाईएस्ट है, मतलब 9 से जस्ट कम, कौन कौन सा मार्क्स लाए हैं, तो देखिए मोनू है और रिया है, ये दोनों ही का मार्क्स सेम है। या आप ये भी जानना चाहेंगे कौन से ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके मार्क्स सेम आए हैं, तो आप देखिए मोनू और रिया के मार्क्स सेम आए हैं। तो ये कैसे हुआ, आपने जब कलेक्ट किया और उसको ऐसे टेबल में बनाया और तब आप आसानी से जो आपने कलेक्ट किया है उसके बारे में कुछ कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि या कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस जो है वो डेटा हैंडलिंग कहलाता है, और ये जो आप कलेक्ट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं डेटा, ठीक है। अगर लेकिन आपसे कोई पूछे कि डेटा हैंडलिंग है क्या, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका डिफिनेशन ये आप देख सकते हैं जो कि आपके बुक में लिखा हुआ ऑलरेडी है ना, वहीं से लिया गया है, और ये बहुत ही सूटेबल डेफिनेशन है डेटा हैंडलिंग का, इसलिए मैंने इसी को लिया है। अब आप इसको देखिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। तो डेटा हैंडलिंग मीन्स मतलब है, क्या मतलब होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग इट एंड देन प्रेजेंटिंग इट इन ए वे इज मीनिंगफुल टू अदर्स। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या इसका मतलब है। कहता है कि डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग एक तरह से डेटा कह सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं। गैदर मतलब इकट्ठा करना। जैसे आपको अभी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया मार्क्स का एग्जाम्पल मैंने लिया, तो मार्क्स आपने क्या किया, ये जो मार्क्स है इसको आपने किया कि अपने फ्रेंड के पास गए, आप वन बाय वन और सबका आप मार्क्स लिए और उसको नोट किए, तो इसी को बोलते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। आप क्या किए, आप अपने सभी फ्रेंड का लेसन टेस्ट का कॉपी लिए और सबका जितना जितना मार्क्स है उसको अपने लिस्ट में ऐसे ऐड करते लिखते गए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग डेटा हैंडलिंग में, रिकॉर्डिंग इट। रिकॉर्डिंग इट मतलब वही, जब आप उसको कॉपी पे लिख रहे थे तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड करना। अभी तो आप जैसे गए सबका कॉपी लेसन टेस्ट का कॉपी लिए और उसको आप देख रहे हैं, इट मींस यू आर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब उस जो आपने देखा, जो आपने पाया कि किसको कितना मार्क्स मिला है, उसको आप लिखने लगे अपने कॉपी में या कहीं भी नोट करने लगे, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं रिकॉर्ड करना। तो ये आपने गैदरिंग इन्फॉर्मेशन कर लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया उसको। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच में कि आपका फ्रेंड्स देखते ही समझ जाए कि किसको कितना मार्क्स मिला है। तो उसी प्रेजेंट करने के तरीका को ही हम लोग कहते हैं प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे इसी एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स के पास गए वन बाय वन और सबका लेसन टेस्ट का कॉपी लिए, तो ये हो गया गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फिर आपने उसको नोट डाउन किया, ओके, और इसका आपने एक टेबल बना दिया, सिंपल लिखकर आप उसका टेबल बना दिए, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट करना। और इस टेबल को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला है, किसको इक्वल मार्क्स मिला है, किसको सबसे कम मार्क्स मिला है, तो यही होता है प्रेजेंटिंग द डेटा। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन डेटा है, क्योंकि जब आप टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और आपके पास बहुत सारा, मान लीजिए अभी तो आपने सिर्फ 6 फ्रेंड्स का लिखा है, अगर आपने आपके क्लास के सभी बच्चों का लिखना हो और आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर इस तरह से कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक अदर मेथड भी यूज़ करते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने का, और वो मेथड क्या होता है उसको हम लोग आगे के जब पढ़ेंगे तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मेनली हम लोग को ये समझना था यहाँ पे ज़रूरी कि डेटा क्या होता है और डेटा हैंडलिंग में हम लोग करते क्या हैं। तो फिर से समझिए, बहुत ही नया है और आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो फिर से समझिए। डेटा का मतलब वो जो आपने यहाँ पे मार्क्स कलेक्ट किया है
ये सभी डेटा है 9, 8, 5, 6, 2, 8, ये सभी डेटा है, ये मार्क्स वाले डेटा है। और जो आपने अपने फ्रेंड्स का नाम यहाँ पे लिखा है, सोनू, मोनू, रवि, शवि, प्रिया, रिया, ये सब क्या है, आपके नेम ऑफ द फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स का डेटा है, आपके नेम ऑफ द फ्रेंड्स का डेटा है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उसको कलेक्ट किया, गैदर किया, रिकॉर्ड किया, तो ये सारा जो प्रोसेस आप कर रहे हैं डेटा को, मतलब उससे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेटा हैंडलिंग, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोग को कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया उससे रिगार्डिंग कुछ हम लोग को यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब कुछ काम की बातें हमको जानने को मिलेगी, जिसको जानकर हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। जैसे यहाँ कंडीशन हम क्या निर्णय ले सकते हैं, अगर सपोज कीजिए आप अपने क्लास के मॉनिटर हैं या अपने फ्रेंड्स के, कि आप सपोज कीजिए आप हेड हैं, तो आप कहिएगा ना कि प्रिया वर्क हार्ड, यू हैव गॉट द लीस्ट मार्क्स, तुमको सबसे कम मार्क्स मिला है, तुमको नेक्स्ट टाइम मेहनत करना है। क्यों क्यों आपने प्रिया को बोला ऐसा, क्योंकि आप जब रिकॉर्ड डेटा कलेक्ट किए तो आपको पता चला कि प्रिया को सबसे कम मार्क्स मिला है, और ये आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आप समझ गए कि प्रिया जो है वो पढ़ाई नहीं कर रही है ठीक से, तो आप क्या करेंगे, प्रिया को वार्न करेंगे, या आप सर को बताइएगा तो सर प्रिया को वार्न करेंगे कि प्रिया बहुत कम मार्क्स लाई हो, नेक्स्ट टाइम आई वांट मोर मार्क्स, दो मार्क्स से नहीं चाहिए मुझे। तो मतलब टीचर कुछ उसको वार्न कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं या कुछ हेल्प कर सकते हैं कि हो सकता है प्रिया को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शायद इसीलिए इतना कम मार्क्स लाई है, तो सर उसको और हेल्प कर सकते हैं, उसको ज़्यादा केयर कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब लेसन टेस्ट हो तो प्रिया भी अच्छा मार्क्स लाए। अब आप इसको देख सकते हैं कि रवि जो है 5 मार्क्स लाया, अब 5 मार्क्स लाया है ठीक है, प्रिया से ज़्यादा लाया मगर बहुत ज़्यादा नहीं लाया, तो आप रवि को भी बोल सकते हैं कि रवि वर्क हार्ड, यह है तुम जो जितना मार्क्स लाओ तुम उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, उसको मोटिवेट कर सकते हो कि आप और ज़्यादा मार्क्स लाओ। तो ये सब आपको कब पता चला, जब आपने डेटा हैंडल किया है ना, तो ही आपको ये सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए हम लोग डेटा हैंडलिंग सीखते हैं। ओके, अब जो हमने आपको बताया तीनों प्रोसेस, उनको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्या है, इसको हम लोग वन बाई वन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कलेक्शन ऑफ डेटा, या जिसको हम लोग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं एंड मेजर करते हैं, ठीक है ना। गैदरिंग मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा लिखा ही रहेगा, कभी कभी आपको मेजर भी करना पड़ेगा। जैसे सपोज आप जानना चाहते हैं कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसका वेट कितना है, आप चाहते हैं कि आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स का वेट पता हो, या आपके टीचर चाहते हैं कि मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका हम हाइट पता करें या वेट पता करें, तो आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा ना। कोई आपके पास एक टूल होगा जिससे आप उसका हाइट मेजर करेंगे, सबका हाइट मेजर करते जाएंगे और उसको नोट डाउन करते जाएंगे, तो मेजर भी करना पड़ता है। कभी कभी क्या है, लिखा हुआ है, जैसे लेसन टेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, टीचर ऑलरेडी मार्क्स दे चुके हैं, आपको बस गए आप कॉपी लिए और उसको नोट डाउन कर लिए, वहां पे आपको मेजर नहीं करना पड़ा। तो कहने का मतलब कि कभी कभी तो आपको मिल जाएगा रेडीमेड डेटा, आप गए बस उसको गैदर कर लिए, हो गया। कभी कभी आपको मेजर करना पड़ेगा, खुद से आपको पता करना पड़ेगा कि किसका कितना मतलब हाइट है या वेट है या वॉट एवर जो भी आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। अब मेजर क्या करेंगे आप, तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब आप जो जानना चाहते हैं, आप हाइट जानना चाहते हैं अपने क्लासमेट्स का, तो आप क्या करेंगे, हाइट मेजर करेंगे, वेट मेजर नहीं करेंगे ना, मतलब वही रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आप हाइट जानना चाहते हैं हाइट मेजर करेंगे, अगर आप वेट जानना चाहते हैं कि सबका वेट कितना है आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप वेट मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर से एक बता देते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, मतलब इकट्ठा करना या मेजर करने को प्रोसेस के प्रोसेस को कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं, ठीक है। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या, प्रेजेंटिंग डेटा मीन्स प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स और एनी अदर फॉर्म, टेबल्स या ग्राफ या किसी अदर फॉर्म में हम लोग जब
रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, तो उसी उसी प्रोसेस को रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाता है। ठीक है, मतलब आपने सबका इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, कलेक्शन कर लिया अपने डेटा का, अब उसका क्या करेंगे, या तो आप टेबल बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे या कोई अदर फॉर्म भी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे टेबल ही यूज़ करेंगे, और ग्राफ में जो ग्राफ होगा वो हमारा होगा पिक्टोग्राफ। ग्राफ भी कई तरह से होते हैं, ठीक है, ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पिक्टोग्राफी होता है, और भी बहुत सारे तरह के ग्राफ होते हैं, लेकिन अभी आपके क्लास में हम लोग सिर्फ पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अभी पिक्टोग्राफ क्या होता है, तो पिक्टोग्राफ में हम लोग डेटा को जो रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। चलिए इसको दूसरे तरह से बताते हैं, इसमें हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, अगर डेटा को पिक्चर बना बना के रिप्रेजेंट किया गया है तो उसी को हम लोग कहते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक आपको मैं दिखा भी देता हूं एग्जांपल, आपको वही पता चल जाएगा। जैसे देखिए, ये आपको एक दिख रहा है, यहाँ पे डेटा को मतलब फ्लावर्स आप देखिए, यहाँ पे एक गार्डन है, गार्डन में ये फ्लावर्स है, कौन कौन फ्लावर्स है, रोज है, मेरी गोल्ड है, ये मेरी गोल्ड हो गया, ये सनफ्लावर है और ये लिली है, ये चार तरह के फ्लावर्स हैं इस गार्डन में। तो किसी ने क्या किया कि ये जो फ्लावर्स हैं उसको एक पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट, आप देख सकते हैं रोज लिखा है और फिर रोज का पिक्चर बनाया गया यहाँ पे, है ना, मैरी गोल्ड लिखा है और फिर मैरी गोल्ड का पिक्चर बनाया गया है, लिली लिखा है और फिर लिली का पिक्चर बनाया गया है ना, मतलब आप देख के समझ जा रहे कि अच्छा ये लिली है, ये रोज है, ये मैरी गोल्ड है, सॉरी ये सनफ्लावर है, ये मैरी गोल्ड है। तो ये पिक्चर के फॉर्म में जब बनाया जाता है तो उसी को हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं, समझ गए। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ पिक्टोग्राफ। ठीक है, जगह कम पड़ गया, यहां पे लिख देते हैं पिक्टो जी, स्पेलिंग मिस्टेक, चलिए फिर से लिखते हैं, व्हाट इज दिस, सो इट इज ए पिक्टोग्राफ, दिस वन, ये जो है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पिक्टोग्राफ होता है क्या है। पिक्टोग्राफ जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्चर बना बना के रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ कहा जाता है, उसी रिप्रेजेंटेशन को पिक्टोग्राफ कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि अभी आपने समझा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, इसमें हम लोग डेटा को टेबल्स या ग्राफ में, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को। अब उसके बाद आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, तो आप अगर जैसे पिक्टोग्राफ आपने बनाया, अब पिक्टोग्राफ बनाया, अब मैंने उसे देखा तो मुझे कुछ पता चलना चाहिए ना कि उससे क्या यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल रहा है। तो जो हम लोग उसको एक्वायर करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं इन्फॉर्मेशन किसी टेबल या ग्राफ से, उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग, उसी प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा बात है, जब हम लोग कोई ग्राफ को रीड करते हैं या टेबल को रीड करते हैं और उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है तो उसी प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कहा जाता है। जैसे अब इसी का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये आपका एक पिक्टोग्राफ है जैसे मैंने बताया। अब इस पिक्टोग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये जो है फ्लावर्स है। सपोज कीजिए आप तो जानते हैं कि रोज मैरीगोल्ड फ्लावर्स होते हैं, बट जस्ट इमेजिन किसी को नहीं पता कि ये क्या है, तो वो यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है फ्लावर्स, उससे उसको पता चल जाएगा कि ये जो है नेम ऑफ द फ्लावर्स है। अब यहाँ पे क्या लिखा, देखिए तो नंबर ऑफ फ्लावर्स लिखा है, मतलब कितने फ्लावर्स हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये एक गार्डन है, इसमें रोज भी हैं, लिली भी है, सनफ्लावर भी है और मैरीगोल्ड भी है। अब आप जानना चाहते हैं कि कितने रोज हैं, कितने मैरीगोल्ड हैं, कितने लिली हैं, कितने सनफ्लावर्स हैं, मतलब आप जानना चाहते हैं कि वो है कितने, नंबर आप जानना चाहते हैं उनका।
तो आप इंफॉर्मेशन ये जो रिप्रेजेंटेड है पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, इसको आप देखकर आप बता सकते हैं कि रोज कितना है। देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन रोजेज बने हुए हैं। इट मीन्स इस गार्डन में 7 रोजेज हैं, ठीक है। मेरीगोल्ड कितना है, तो 5 मेरीगोल्ड है बना हुआ, है ना। तो इसको आप काउंट कर लीजिए और इतना ही आपके गार्डन में मेरीगोल्ड भी है, इसका मतलब है। अब लिली कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लिली हैं, मतलब इस गार्डन में 8 लिली हैं। अब आपको इस पिक्टोग्राफ से पता चल गया, तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आपने पता लगाया, उसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जैसे यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं, काउंट करके पता चल जा रहा है हम लोग को कि कितने 3 सनफ्लावर्स हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लिली इज देयर इन द गार्डन, तो आप क्या करेंगे, लिली देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, या लिली का पिक्चर देखेंगे और उसको काउंट कर लेंगे। जैसे सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इट मीन्स देयर आर 8 लिली इन द गार्डन। या व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर, अब यहाँ हम सभी फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको काउंट करेंगे। जैसे ये कितना है, 7 है, ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 8 है, और ये कितना है, 3 है। तो टोटल क्या हो गया, हम सबको अब ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, 7 + 5 = 12, 12 + 8 = 20 + 3 = 23 मतलब देयर आर टोटल 23 फ्लावर्स इन द गार्डन। ये सब आप कैसे पता चला, तो जब आपने इस पिक्टोग्राफ को इंटरप्रेट किया तब आपको पता चला। तो अब हम लोग ये तीन बातों को जाने, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। अब इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे ताकि हम लोग और अच्छे से समझ पाए कि हम लोग समझे कि नहीं डेटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोग को जो अभी मैंने बताया उसको हम रिपीट कर देते हैं, एग्जाम्पल हम लोग बनाने वाले हैं, लेकिन एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि डेटा क्या होता है। तो डेटा वो होता है जिसको हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, किसी चीज़ का काउंटिंग हो गया, किसी चीज़ का नंबर हो गया, या किसी चीज़ का मार्क्स हो गया, किसी का वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सभी डेटा कहलाते हैं। अब उसका हैंडलिंग क्या है, डेटा हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि दूसरा कोई उसको रीड कर सके, ये होता है डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग में जैसे हम लोग तीन प्रोसेस का बात करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग जा जा के जो भी है जाकर या आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढ ढूंढ के उसको कलेक्ट कर लिए, अब उसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, है ना, उसको कहीं लिखेंगे नोटबुक पे या कहीं भी, कंप्यूटर में भी आजकल रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको पिक्टोग्राफ में या किसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और फिर लास्ट में आप उस जो भी डेटा बना है उसके आधार पर, जो भी रिप्रेजेंट किया गया है उसको, उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ डेटा दिए गए हैं, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, फेवरेट फ्रूट्स ऑफ 23 स्टूडेंट्स, मतलब जैसे आपके क्लास में, मान लीजिए क्लास वन में 23 स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास में हो सकता है ज़्यादा हों, लेकिन किसी क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं क्लास वन में। अब सबसे पूछा गया कि सबसे वन बाय वन कि व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तो किसी ने कहा मैंगो, किसी से पूछा गया तो उसने कहा बनाना, फिर किसी से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा तो मैंगो है। तो किसी, मतलब आप देख रहे हैं किसी किसी स्टूडेंट्स का सिमिलर फेवरेट, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है तो ऐसा किसी और का नहीं हो सकता, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो जो कलेक्ट किया गया उसको यहाँ पे बनाया गया। अब आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि किसका, अब चेक करने के लिए तो सबसे पहले आपको डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा अपना, अभी ऐसे देख कर हमको नहीं पता चल रहा ना कि कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा पिक्टोग्राफ बनाएंगे, देखिए यहीं पे बना देते हैं छोटा सा, तीन ही हैं, 3 to 5 क्या किए हम, ये एक आम है, आम इस तरह का कुछ होता है, फिर बनाना, ये बनाना हो गया, फिर दिस इज समथिंग कीवी जैसा लग रहा है बट इसको हम लोग बना लेते हैं, वही जो है
मतलब ये भी एक फ्रूट है, और फिर स्ट्रॉबेरी है, और एक लास्ट एप्पल। ठीक है, तो आपने क्या किया, मैंगो 5 है तो 5 लिख दिए यहाँ पे, बनाना कितना है 4 है तो 4 लिख दिए। अब ये आपका कीवी जैसा लग रहा है तो कीवी ही इसको बोलते हैं, तो कीवी कितना है 3 है, और ये स्ट्रॉबेरी 5 है, और एप्पल 6 है। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अगर ऐसे ही लिखा हुआ रहता, ऐसा केवल फिगर बना रहेगा, तो आपको देने में, इसका आंसर देने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। बट अब आपने बना लिया उस तरह का एक पिक्टोग्राफ, है ना, यानी आपने उस डेटा को जो दिया हुआ था पहले कलेक्ट करके यहाँ पर रखा हुआ है, अब आपने उसको पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब आपको इंटरप्रेट करना है। ठीक है, समझिए, ये पहला जो दिया हुआ है दिस इज कलेक्शन ऑफ डेटा, अब मैंने यहाँ पे जो बनाया वो दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आप इंटरप्रेट कर इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट हैज बीन प्रिफर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्रिफर्ड का मतलब कि ज्यादा पसंद किया जाना, है ना, जैसे सपोज कीजिए आपको केला दिया गया और कोई सेब दे रहा है, आपको सेब ज्यादा पसंद है तो आप क्या करेंगे, सेब ले लेंगे, मीन्स यू प्रीफर एप्पल। ठीक है, तो वही, तो कौन सा ऐसा फल है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, मतलब पसंद करते हैं, तो आप देखिए कौन सा नंबर यहाँ सबसे बड़ा है, तो 6 है, और 6 कौन किसका नंबर है, एप्पल का, इट मीन्स एप्पल इज प्रीफर्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उस फ्रूट का नाम लिख देते हैं एप्पल। ठीक है, आप आसानी से इस टेबल को देखकर, इस पिक्टोग्राफ को देखकर आंसर बता दिए। नेक्स्ट, विच फ्रूट हैज बीन प्रीफर्ड बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कौन सा ऐसा फ्रूट है जो कम से कम स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, तो अब देखिए सबसे कम नंबर किसका है, तो ये कीवी का, तो कीवी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, कीवी जैसा लग रहा है, इट मे बी सम अदर फ्रूट बट कीवी जैसा लग रहा है, तो मैंने कीवी लिख दिया है। ओके ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कीवी, हाँ देखिए आ भी गया, यस नाउ आई एम श्योर दैट इट इज कीवी, यहाँ पे आ भी गया। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कीवी, अब कीवी कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, तो कीवी का नंबर है 3, तो आप यहां पे लिख दीजिए 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बनाना, कितने स्टूडेंट्स बनाना पसंद करते हैं, तो बनाना का नंबर 4 है, इट मींस 4 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 1 हु लाइक एप्पल देन बनाना, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल से ज्यादा बनाना पसंद करते हैं। How many more students are there in class 1 who like apple than banana? मतलब apple ज़्यादा पसंद करते हैं, banana कम। तो देखिए banana कितना है 4 है, और apple कितना है 6 है। तो कितने students ऐसे हैं, कितने number of, मतलब कितने ज़्यादा students हैं, हमको students नहीं बताना, कितने ज़्यादा students पसंद करते हैं apple को banana के comparison में। तो banana को 4 students पसंद करते हैं, apple को 6 students पसंद करते हैं, यानी कि 2 students ज़्यादा हैं जो apple को पसंद करते हैं, है ना, मतलब 6 में से हम लोग 4 माइनस कर दिए और 2 आ गया आंसर। तो आपने देखा कभी कभी तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे पा रहे हैं, कभी कभी आपको कुछ कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है, जब भी आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इट्स नॉट लाइक कि हर वक्त आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाए, कभी कभी आपको उसमें कुछ कैलकुलेशन भी करना पड़ सकता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, 6 में से 4 घटा दिए, आ गया हमारा आंसर। क्यों घटाएं, क्योंकि क्वेश्चन ही में था कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल से ज्यादा बनाना को पसंद करते हैं, सॉरी बनाना से ज्यादा एप्पल को पसंद करते हैं, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स, तो 2 स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट, जैसे पिक्टोग्राफ पे हम लोग बात कर रहे थे, तो ये पिक्टोग्राफ आपको समझ में आ गया, ये पिक्टोग्राफ क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं, इस पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोग इसके बाद वाला टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक भी है। और ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिया गया है, और जो अब तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पे आपको इसका आंसर करना है। ये क्या है, एक तरह का पिक्टोग्राफ है, ठीक है, और अब आपको इसको देख कर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शार्पनर्स आर देयर, कितने शार्पनर्स हैं, तो आपको यहाँ पे शार्पनर का फोटो यही दिख रहा है ना, तो इसको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 आ रहा है ना इसमें, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर, मीन्स देयर आर 4 शार्पनर्स। ठीक है,
अब हाउ मेनी इरेजर्स आर देयर, तो इरेजर कौन है, तो ये है, तो इसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 इरेजर्स है, तो 5 पर टिक का मार्क कर दीजिए। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर, तो पेंसिल्स को काउंट कर लीजिए, देखिए पेंसिल का फिगर ये है 2 3 4 5 6 7 पेंसिल्स हैं, हो गया। हाउ मेनी स्टेशनरी आइटम्स आर देयर ऑल टुगेदर, अब देखिए हाउ मेनी स्टेशनरी आइटम, इसको क्वेश्चन को अच्छे समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेशनरी आइटम्स आर देयर ऑल टुगेदर। स्टेशनरी आइटम्स का मतलब होता है जो भी लिखने पढ़ने से संबंधित, जैसे बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, पेन, ये सब स्टेशनरी आइटम है, यानी ये इरेजर भी स्टेशनरी आइटम है, शार्पनर भी स्टेशनरी आइटम है और पेंसिल भी एक स्टेशनरी आइटम है, तो सबको मिलाकर कितना है, तो सबको काउंट कर लीजिए, तो ये 5, ये 5 है आपके, ये है आपका 4 और ये है आपका 7, सबको ऐड कर लीजिए, तो 5 + 4 9 एंड 9 + 7 16, तो 16 आ रहा है इसमें, इट मीन्स दिस इज आंसर। मतलब हमने क्या किया लास्ट में, एडिशन भी किया, मतलब इंटरप्रिटेशन के समय हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कभी कभी करना पड़ता है। ओके, तो ये रहा हमारा डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हम लोग क्या पढ़े, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट है जैसे मैंने बताया और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हमने क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि डेटा क्या होता है। डेटा में मैंने आपको बताया कि एनीथिंग जो जिस चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे मार्क्स जानना चाहते हैं तो मार्क्स इज ए डेटा, हाइट जानना चाहते हैं तो हाइट इज ए डेटा, वेट जानना चाहते हैं तो वेट इज ए डेटा, कुछ भी जो भी जानना चाहते हैं उसको ही हम लोग डेटा भी कहते हैं, एक कॉमन नेम है डेटा। अब डेटा हैंडलिंग में क्या करते हैं हम लोग, तो कलेक्शन करते हैं, मतलब यही डेटा हैंडलिंग में क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा होता है, मतलब इस तीनों के मिले जुले प्रोसेस को ही हम लोग डेटा हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है, तो हम लोग गैदर करते हैं, ठीक है ना, गैदरिंग एंड मेजरिंग क्या होता है मेनली, अगर वन वर्ड में कहें या सिंपल वर्ड में कहें तो कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स गैदरिंग एंड मेजरिंग, ठीक है ना, ऑफ डेटा। रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, तो वही प्रेजेंटेशन ही होता है, ये नाम से पता चल जा रहा है, प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन कही या प्रेजेंटेशन कही, दोनों एक ही हैं। और इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब आप उससे क्या समझें, इंफॉर्मेशन, ठीक है। स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रहा, डोंट वरी, ये सब स्पेलिंग आपको लिखा गया ऑलरेडी, वहां से आप देखकर करेक्ट कर सकते हैं। तो यही हमने सीखा है इस लेसन में, और इसके बारे में और अच्छे से हम लोग फर्दर क्लासेस पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को पिक्टोग्राफ को देखना, उसको इंटरप्रेट करना आना था, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ये टॉपिक जो डेटा हैंडलिंग है उसको फिनिश करते हैं। आई होप आपको जो बताया गया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपको मैंने बताया है इस वीडियो में, या इस जो भी मैंने आपको बताया है उसका एक आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा एप्लीकेशन पे, जो है हमारा RSCS मचाप, वहाँ से आप इसका जो भी नोट्स है अच्छे से बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं करिएगा तो आप ये तुरंत भूल जाइएगा, ठीक है। नोट्स नहीं बनाइएगा, याद नहीं करिएगा तो आप तुरंत भूल जाइएगा इस सारी बातों को, तो इसीलिए आप उसको ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो इसी बातों के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।